आज ये मैजिक मोबाइल मुझसे दूर हो जाएगा। इस मैजिक मोबाइल के होने से मैंने लोगों की कितनी मदद की है। अगर कोई भी मेरे सामने परेशान होगा तो मैं उसकी कैसे मदद करूंगी। जा, एक बात बताओ, आप इतने समझदार कैसे हो? अरे ललन, बचपन में हमने दूध और बादाम बहुत खाया है। हमारी एक भैंस हुआ करती थी, उसका नाम था कालू। काली नहीं थी, ठीक भूरी, नाम था कालू। और उसके माता पिता भी जो थे ना, वो भी। अरे हम भैंस के खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे, और ना ही हम आपको समझदार बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आपने समझदारी से हमें झाड़ के पीछे छुपा दिया है, और हमारी जान मुसीबत में डाल दी। अरे इतनी बड़ी कैची थी, अगर गलती से चल जाती ना तो हमारी जो सर है ना, धड़ से अलग हो जाता। छोटे छोटे लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती है रे। इस बार नहीं होगी, हर बार हम यही सोचते हैं। जीजा, ये जो मैजिक मोबाइल है ना, उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अरे आप खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमें भी मरवा देंगे। अरे अभी हमारी उम्र ही कहाँ है, अभी तो हमें दुनिया देखनी है, हीरो बनना है। हाँ बस बंद कर, अगर तू मेरा साला नहीं होता ना, तो मैं यही यही तुझे सजा देता। मैजिक मोबाइल पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है, बस इसके लिए मैंने मेहनत की है। और आज जब पता चल गया है कि मैजिक मोबाइल यही है, तो तू कहता है भूल गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो हमारे कहने का मतलब था जीजा, कि जब तक वो मोबाइल मुझे मिल नहीं जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे उस मोबाइल को पाने का सपना मैं बरसों से देख रहा हूं, बस एक बार रविंद्र मेरे कब्जे में आ जाए तो समझ लो मैं वो मोबाइल भी आ गया। चिच्चा, आज तो आप कुछ और भी मांगते तो मिल जाता। वो देखो, भगवान ने सीधा रविंदर को भेज दिया। कालेश्वर पूल है, बाकी सब पूल है।